नमस्कार दोस्तों, ये है हीरो की एचएफ डीलक्स BS6 सेल्फ स्टार्ट i3S मॉडल। एचएफ डीलक्स में 4 वेरिएंट मिलते हैं, 6 कलर का ऑप्शन मिलता है और ये है इसका हैवी ग्रे विद ग्रीन कलर। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इसके प्राइस, फीचर्स और माइलेज के बारे में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो इसका जो वाइजर है वो ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है, जिसके ऊपर हीरो का 3D में लोगो मिल जाता है और इसके साइड में आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं और इसके साइड में नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं नॉर्मल बल्ब के साथ और इसके फ्रंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल जाती है 35 वाट के बल्ब के साथ। जैसा कि दोस्तों आप इसकी लाइट को देख सकते हो, चलने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। अब चलते हैं इसके नीचे की साइड में। तो इसका जो फ्रंट वाला मडगार्ड है वो भी ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है और इसके साइड में IBS का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं और इसके नीचे आपको जो है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। इसकी आगे और पीछे की दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं और इसके फ्रंट में 2x75/18 का टायर साइज मिल जाता है, जिसमें TBS कंपनी के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और 18 इंच के सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। अब बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो इसमें आपको फुली एनालॉग टाइप का मीटर देखने को मिल जाता है। जैसा कि इसमें दोनों एनालॉग मीटर दिए गए हैं, यहाँ से मैं इसकी चाबी को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंडिकेशन लाइट, i3S की इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको गियर की न्यूट्रल लाइट, इंजन माल फंक्शन लाइट, मेन हेडलाइट इंडिकेशन लाइट और फ्यूल मीटर मिल जाता है और नीचे आपको टर्न सिग्नल इंडिकेशन लाइट मिल जाती है और यहाँ पर आपको हैंडल बार रॉड मिल जाती है जो कि क्रोम फिनिश के साथ दी गई है और इसके साइड में आपको वही पुराने वाले साइड मिरर मिल जाते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न का स्विच मिलता है। इसमें आपको पासिंग का स्विच नहीं मिलता है। इसके राइट हैंड साइड में चलें तो यहाँ पर आपको i3S का स्विच मिल जाता है और इसके नीचे आपको सेल्फ का स्विच देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पर आपको जो है इसके फ्यूल टैंक के ऊपर हीरो का स्टिकर मिल जाता है। यहाँ भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि लुकिंग में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और यहाँ पर आपको जो है HF डीलक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है और नीचे भी आपको i3S का लोगो देखने को मिल जाता है। और पीछे की साइड में चलें तो यहाँ पर आपको जो है 2x75/18 का टायर साइज मिल जाता है। यहाँ भी आपको TBS कंपनी के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको 2-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं जिसको आप अपने वेट और डिमांड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और इसके पीछे आपको जो है 130mm की ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके साइड वाले काउल की बात करें तो यहाँ भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं और इसके पीछे की साइड में आपको जो है सिल्वर कलर के साथ एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी आकर्षक लग रहा है। और यहाँ पर आपको हीरो का स्टिकर और नीचे आपको जो है नॉर्मल टेल लैंप मिल जाती है जिसके अंदर नॉर्मल बल्ब दिया है और इसके साइड में आपको नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसके दूसरी साइड में, तो यहाँ से भी आप इसके लुक को देख सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक इस बाइक में आपको देखने को मिल जाता है। सेम ग्राफिक्स यहाँ भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसकी सीट की क्वालिटी की बात करें तो मीडियम इसमें आपको क्वालिटी मिल जाती है जो कि मुझे दबाने से यहाँ पर पता चल रहा है इसकी कुशनिंग को। अब इसके साइड भी आपको जो है HF डीलक्स और i3S की ब्रांडिंग मिल जाती है और इसके जो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 9.6 लीटर की दी गई है। अब इसके पीछे की साइड में आपको एक ब्लैक कलर का सार्डी गार्ड देखने को मिल जाता है और यहाँ पर एडजस्टेबल फुटरेस्ट दिया गया है। अब इसके नीचे की साइड में देखें तो यहाँ पर आपको चैन सेट कवर मिल जाता है जो कि फुली प्लास्टिक का दिया गया है जो कि बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी मजबूत है। और यहाँ पर आपको जो है पावर स्टार्ट और प्रोग्रामेड FI की वेजिंग देखने को मिल जाती है दोस्तों, जैसा कि इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है। और इसके नीचे आपको जो है साइड स्टैंड और मैन स्टैंड मिल जाते हैं और 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है और इसके साइड स्टैंड पर सेंसर दिया है। यहाँ पर आपको 4-स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है। इसके इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 97.2 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2-वाल्व BS6 FI का इंजन मिलता है जिसकी मैक्सिमम पावर है 7.91 bhp 8000 rpm पर। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 nm का 6000 rpm पर। इसमें आपको मिल जाता है 4-स्पीड का गियर बॉक्स और वेट है 112 kg और यहां पर एक सेंसर दिया है इंजन के हेड के ऊपर। इसके माइलेज की बात करें तो इसमें 70-75 का आसानी से माइलेज मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक क्रैश गार्ड मिल जाता है, लेग गार्ड जो कि क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। यहाँ पर पावर स्टार्ट और प्रोग्रामेड FI की वेजिंग मिल जाती है जो कि टूल बॉक्स के ऊपर दी गई है और यहाँ पर एक स्पार्क प्लग और ऑक्सीजन सेंसर दिया है और यहाँ पर एक कैटेलिटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है। और इसका जो ब्रेक पैड है वो काफ़ी शानदार बनाया गया है जो कि सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से है और यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट और किक स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर सेल्फ की मोटर मिल जाती है और यहाँ पर आपको कॉम्बी ब्रेकिंग का सिस्टम दिया गया है
और यहाँ पर आपको जो है एग्जॉस्ट के ऊपर एक लंबी सी क्रोम की प्लेट देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप इसके एग्जॉस्ट को देख सकते हो, काफ़ी यूनिक सी डिज़ाइन इसमें आपको देखने को मिल जाती है, जो कि फुली चेंज हो चुका है BS6 आने के बाद में। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ इसके साउंड की, तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंजन का और इसके एग्जॉस्ट का आपको साउंड सुना देता हूँ। तो हम इस बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, तो बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो अब दोस्तों आप इसके इंजन का साउंड सुन सकते हो। आपको इसके इंजन का साउंड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं आपको जो है इसके एग्जॉस्ट का साउंड भी सुना देता हूं। तो यहां से आप इसके एग्जॉस्ट का साउंड नोट कर सकते हो। अगर आपको इसका साउंड अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की। तो HF डीलक्स ITS मॉडल BS6 सेल्फ स्टार्ट एलॉय व्हील्स वाले मॉडल का ऑन रोड प्राइस है 78,400 रुपये, 78,400 रुपीज़। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताया है साइनोश्योर हीरो मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम का। शोरूम की सारी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे को कमेंट कर देना अपनी सिटी का नाम, मैं आपको आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस हीरो HF डीलक्स का सभी वेरियंट का बता दूँगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मैं ऐसे ही नई बाइक की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।